2020 का नियॉस है, 2020 का नियॉस है। अच्छा, लाइफ टाइम टैक्स पेड, ये एवरग्रीन है। एग्जैक्टली किशोर कुमार था एकदम। अभी का जनरेशन जो एंजॉय कर रहे हैं वो 2013 में हॉन्डा में दिया हुआ था। एग्जैक्टली एबी डीजल में, बहुत सही। इसका मतलब माइलेज ही माइलेज। इंजन का देखिए एकदम नया जैसा लगेगा आपको, नया जैसा। अभी इनकम्प्लीट है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। 8000 किलोमीटर चला, सही कंडीशन, बहुत ही कमाल है। 13 का गाड़ी इन दिस कंडीशन कोई नहीं दे पाएगा। तो आगे था मोटर गेट के सामने था मोटर गेट, आप लोग देख सकते हैं। और कलेक्शन यहाँ का जबरदस्त होती है एंड उसके साथ साथ गाड़ी की कंडीशन भी काफी अच्छा होता है। दीप दाप मेरे सामने फिर से आप लोग के लिए वापस आ गया गाड़ी लेके, और सामने ही मेरे एक एक्सेल 6। आज ज्यादा बकबक नहीं करेंगे दीप दाप, ऑन टू द पॉइंट जाएंगे और गाड़ी दिखाएंगे, कलेक्शन दिखाएंगे, मतलब हर मिक्स एंड मैच एकदम। उससे पहले थोड़ा लोकेशन जान लेंगे। लोकेशन जो है हम लोग का जो लोकेशन है एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है। बिल्कुल, बार बार बोलते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब क्या है, एकदम मिडल ऑफ कोलकाता। मतलब आप हावड़ा से आओ, एयरपोर्ट से आओ, सियालदह से आओ, दरिया से आओ, एकदम बीच में है हजरा। हजरा सबको ही जानता है। हम लोग का जो शोरूम है जस्ट ऑपोजिट नेशनल हाई स्कूल फॉर बॉयज, मोटरकेट जस्ट नेशनल हाई स्कूल फॉर बॉयज। जो अगर आप लोग हजरा से भी आते हैं तो एक ऑटो में उठना है, ऑटो आप लोग देख सकते हैं जा रहे हैं, एक ऑटो में उठना है, या फिर बालीगंज से भी आ रहे हैं तो एक ऑटो में उठना है एंड आप लोग सीधा मोटरकेट के सामने आ सकते हैं। हाँ, वो भी अगर याद नहीं रहेगा तो नेशनल हाई स्कूल सबको जानता है, 100 साल का स्कूल है, उसका जस्ट ऑपोजिट में हम लोग का शोरूम है द मोटरकेट। अच्छा दीप, तो यहाँ पर 100 साल आ रहे, तो एक बार पूछना चाहूंगा मोटरकेट कितना दिन से मतलब बिजनेस में है? एक्चुअली ये 60 इयर्स का बिजनेस है। 60 इयर्स, 60 साल, और ये है 35 इयर्स। 35 इयर्स, मतलब इससे पहले कहीं और था। हाँ, अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ। हाँ, फिर भी 60 इयर्स मतलब कम नहीं होता एक बिजनेस में। 60 इयर्स रहना मतलब पूरा एक्सपीरियंस्ड है एंड आप लोग के लिए सब कुछ सही से रिलायबल है। आइए आप लोग गाड़ी को देखिए, बाकी आ जाएंगे हम लोग फर्स्ट गाड़ी में। दीपदा मेरे सामने एक एक्सेल 6 है, मतलब इनोवा क्रिस्टा के तरह ही देखने में लगता है एकदम, उसका मतलब कॉम्पिटिटिव में और कुछ एस्पेक्ट में। एग्जैक्टली, और कुछ कुछ एस्पेक्ट में अच्छा भी है उससे। हाँ, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या है, इनोवा का कॉम्पिटिशन में कोई आ नहीं सकेगा। उसका जस्ट सेम में एक्सेल 6 वही सेम 7 सीटर में 8 सीटर में ए हुआ है और डबल एसी के साथ। अच्छा, डबल एसी के साथ, एसी के साथ और पायलट सीट भी है। हाँ, पायलट सीट भी है। अच्छा, तो इसका डिटेल्स ले लेंगे। हाँ, ये एक्सेल 6 2022 का है, 2022 का है, बहुत सही, मतलब वो भी हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड है। अच्छा, वो भी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट, वो भी बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत अच्छा, ग्रे एंड ब्लैक एंड पेट्रोल वर्शन है। नया का दाम है 1475, और अपना दाम है 10,75,000। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 10,75,000 में आपको हाइब्रिड इंजन के साथ, हाइब्रिड इंजन का खासियत यही होता है कि आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलने वाला है। Exactly. क्योंकि इलेक्ट्रिकली भी चलता है, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स इलेक्ट्रिकली भी चलता है और Exactly. पेट्रोल के साथ भी चलता है, तो आप लोगों को इनहेंस माइलेज मिलता है। उसके साथ साथ मारुति की गाड़ी है तो रिलायबल होने ही वाला है एंड गाड़ी की सीट कवर वगैरह भी अच्छे कंडीशन में, इंटीरियर में सारा फीचर्स आप लोगों को मिल जाता है। सबसे बड़ा बात है 6 मंथ्स वेटिंग है। हाँ, 6 महीना वेटिंग ट्रू, वो हम लोग के पास है गाड़ी रेडी और ब्रांड वारंटी के साथ। ब्रांड वारंटी के साथ काफी अच्छा डील है गाइस, आइए गाड़ी को चेकआउट कीजिए। कितना किलोमीटर चला हुआ दीप, दो बार रिपीट कर। बहुत कम किलोमीटर चला हुआ है, हम दिखा देंगे बाद में जब exactly, दिखा देंगे। ठीक है, एक्चुअली इतना सारा गाड़ी है याद नहीं रहता, डायरेक्ट दिखा देंगे। हाँ, पर इतना बता सकता हूँ कि बहुत ही कम, बहुत लो ड्रेमेंट, बस 6 महीना 7 महीना पुराना गाड़ी है। नेक्स्ट गाड़ी में चलते, तो दीप आ जाएंगे हम लोग की नेक्स्ट गाड़ी में। व्हाइट कलर में नियॉस है मेरे सामने। हाँ, और नियॉस का वैसे भी डिमांड है, व्हाइट कलर में तो डिमांड 3 गुना। और हम लोग कलर ऑप्शन भी दिखाएंगे, नियॉस ही हम लोग के पास 2-3 जो है। अच्छा, हाँ, वो भी कलर ऑप्शन के साथ। ओके, और डिमांडेबल। ओके, और सबसे बड़ा बात है 2020 का नियॉस है, 2020 का नियॉस है। अच्छा, और व्हाइट कलर में है, पेट्रोल ऑब्वियसली पेट्रोल, इसका दाम ओनली 5,95,000। अच्छा, ये गाड़ी अभी मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए जाने वाला है और हाँ, इसका बोनेट ऑलरेडी खुल चुका है, तो बोनेट व्यूअर्स को दिखा दे। हाँ, एक बार दिखा दीजिए, आप लोग देख लीजिए बस इंटीरियर से, मतलब एक्सटीरियर से तो कंडीशन कमाल का है ही है, इंटीरियर से भी कमाल का कंडीशन है एंड पूरा इंजन भी कमाल का दिख रहा है देखने में। और दीपदा, इसका और थोड़ा कितना किलोमीटर चली हुई है, थोड़ा डिटेल्स वगैरह ले लेंगे। हाँ, दिन में दे देंगे। Okay. बहुत कम चला हुआ, ये बंद कर दीजिए। कौन ये, कौन सी की गाड़ी है? 2020 का गाड़ी, 2020 का गाड़ी, 25 तक टैक्स पेड है, 25 तक टैक्स। और गाड़ी कमाल की कंडीशन में, प्राइसिंग जान लेंगे। पाइलिंग है 5,95,000 ओनली, 5,95,000। अगर व्यूअर्स आते हैं तो हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो होता ही है आपका चैनल के लिए। एग्जैक्टली, मेरा साइड में का चैनल के लिए तो होता ही है एकदम। तो आ जाइए, फटाफट देख लीजिए, नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं। जी, तो आ जाएंगे हम लोग की नेक्स्ट गाड़ी में। हम लोग स्टॉकयार्ड में आ चुके हैं, आप लोग का जाना पहचाना स्टॉकयार्ड।
में और मेरे सामने नया गाड़ी आ चुका है। और बेस्ट पार्ट लगता है मॉडल गेट का कि हर वीक स्टॉक चेंज होता है। एग्जैक्टली नया नया स्टॉक आप लोगों को हर वीक देखने के लिए मिलेगा। मतलब इंपॉर्टेंट बात है, अगला वीक में जो गाड़ी था सब निकल गया, ऑल आर सोल्ड, अभी नया स्टॉक है। एग्जैक्टली नया स्टॉक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, आप बुलेरो देखिएगा, ये भी नहीं था, ये भी नया है, भी नहीं था, ये भी नहीं था, वहाँ पर XUV 500 वो भी नहीं था ना। और ये अब गाड़ी देखिए, गाड़ी का स्टॉक देखिए, कमाल का स्टॉक है, नया नया सब स्टॉक देखिए। और ये है वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम सेडान, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम सेडान, ओके, और है कैमरी, टोयोटा कैमरी, एकदम इसका ऊपर सेडान हम कोई नहीं देखा है। इंटरनेशनल ब्रांड है फर्स्ट ऑफ ऑल, टोयोटा कैमरी इंटरनेशनल ब्रांड। और सबसे बड़ा बात है 13 का गाड़ी, ओके, 2013 का गाड़ी, चैलेंज के साथ मोटर के तरफ से चैलेंज के साथ बोल रहा है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल, ऐसा कंडीशन का गाड़ी कोई मतलब कलकत्ता में कोई नहीं दे पाएगा। सही ऐसा कंडीशन बहुत ही कमाल है, 13 का गाड़ी इन दिस कंडीशन कोई नहीं दे पाएगा, सिर्फ मोटरकेट देगा। अच्छा। चैलेंज आके देख लीजिए प्रैक्टिकल, 2013 का गाड़ी हम बोल रहा है, याद रखिएगा 2013 का गाड़ी, ऐसा कंडीशन, ऐसा मिंट, ऐसा बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट, ऐसा हाईली मेंटेन गाड़ी कहीं नहीं देगा। और ये वाला गाड़ी 2.5 लीटर इंजन ऑटोमेटिक, तो चलिए दीपे इंटीरियर में जाते हैं, ऑटोमेटिक देख लेते हैं। चलिए तो आगे इंटीरियर में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है, काफी अच्छा डैशबोर्ड है, वुडन डुअल टोन वुडन फिनिश, एयरबैग्स दिख रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिख रहा है। और भी बोल दीजिए शाहिद भाई, ये जो है एक्चुअली स्टिचेज, मतलब लेदर फिनिश बहुत कमाल लेदर फिनिश है, मतलब बोला ना वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट सेडान। अच्छा, इसका ऊपर प्रीमियम सीडन कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर आप लोग ऑटोमेटिक देख सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखिए, हाँ ऑटोमेटिक गियर, वो भी वुडन का है, उस सब डायरेक्ट कंपनी, एक अलग से फिट नहीं किया फ्रॉम कंपनी, यही मॉडल में स्टीयरिंग देखिए, स्टीयरिंग देखिए सही में अच्छा है, स्टीयरिंग और पेट्रोल की डीजल पेट्रोल बॉटम स्टार्ट पेट्रोल, टोयोटा कैमरी ऑटोमेटिक 2.5 लीटर, अच्छा मींस 2500 सीसी का इंजन है और ऑटोमेटिक है। अच्छा। और व्हाइट कलर पेट्रोल है। इसका प्राइस हम लोग रखे सोच रहे थे एक स्विफ्ट का प्राइस में, उससे भी कम, कितना, ओनली 650 में वर्ल्ड बेस्ट सेडान, ऑब्वियसली प्रीमियम सेगमेंट, एग्जैक्टली हाईली मेंटेन, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, हां पीछे का स्पेस दिखाइए और सबसे बड़ा बात क्लीन दिखाई, मतलब मेंटेनेंस दिखाई, कैसा मेंटेन्ड है, ओरिजिनल, और ये वाला स्विच दिखाई है, अब इससे आप ये कर सकते हो, अरे ओह माय गॉड, बहुत सही है, मतलब आप पीछे बैठ के आपके ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, पीछे बैठ के भी कंट्रोल आ जाएगा और आपके पीछे जो बैठता है उसका हिसाब से एडजस्ट हो सकता है, काफी अच्छा है, सब कुछ दिया हुआ है। एग्जैक्टली ये मेरा फेवरेट गाड़ी है, मेरा फेवरेट होंडा है, इस गाड़ी में बैठ के ये मेरा फेवरेट हो गया ऑलरेडी। हाँ तो इसका प्राइस 650 ओनली, बहुत सही है, उसके ऊपर से थोड़ा बहुत आपका चैनल के, हाँ चैनल के नाम बताइए, शाहिद भाई का नाम बताइए, आइए थोड़ा बहुत कर देंगे, नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं। प्रदीप दा एक डिमांडेबल गाड़ी में आ जाते हैं और सबको बहुत पसंद है ये गाड़ी, सबसे बड़ा बात है इंडियन ब्रांड महिंद्रा, सबसे बड़ा बात है ये वाला डिमांडेबल गाड़ी किस लिए है, कमर्शियल यूज होता है, ये वाला गाड़ी कमर्शियल यूज होता है, किंतु ये वाला गाड़ी पर्सनल है इसलिए नहीं मिलता है। जितना कमर्शियल गाड़ी पुलिस को देखो, जितना है कमर्शियल ऑफिस, मैंने गवर्नमेंट ऑफिस कमर्शियल में हार्डी गाड़ी है, बहुत हार्डी गाड़ी है, किंतु ये वाला गाड़ी हम लोग का पर्सनल है। अच्छा दिस वन, तो ये डिमांडेबल गाड़ी है महिंद्रा का, इंडियन ब्रांड, 10 का गाड़ी है, 25 तक टैक्स पेड है, ओके 10 का गाड़ी 25 तक टैक्स पेड है, ठीक है, अभी 22 चला, 3-4-5 अभी 3 साल टैक्स अब मिल जाएगा आपको गाड़ी का। इसका प्राइस ओ माय गॉड, हम भूल दे रहा है ना ठीक दे रहा है मालूम नहीं है, ओनली 2,90,000 ऑल्टो का प्राइस में बोलेरो दे रहा है, ऑल्टो का प्राइस में बोलेरो 2010 का हार्डी गाड़ी डीजल 25 तक टैक्स पेड 2,90,000। और आप लोगों को एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा देखने के लिए, आ जाइए थोड़ा सामने से, टायर्स आप लोग एक बार देख लीजिए, कमाल की टायर्स आप लोगों को मिल जाती है, ऑलमोस्ट मतलब 80% तो कंडीशन है, 80% है, तो आके देखिए, हम लोग तो दिखा रहे, कैमरा भी तो देख रहे, आके देखिए 80% टायर्स है अभी एकदम, और उसके साथ साथ ये शायद अभी तक पॉलिश वगैरह नहीं हुआ, होने के बाद तो एकदम एकदम तो ओपन में इतना सारा गाड़ी, एग्जैक्टली तो सबसे बड़ा बात है बोलेरो डीजल 10-25 2,90,000 नेक्स्ट गाड़ी में चलते। तो दीप आ जाते हैं हम लोग की नेक्स्ट गाड़ी में, मेरे सामने देख सकते हैं आप लोग एक टीयूवी है, अगेन महिंद्रा की बोलेरो हम लोग अभी देखे, एंड अभी आ जाते हैं हम लोग टीयूवी, वो भी कलर ऑप्शन के साथ, एग्जैक्टली वो भी डिफरेंट मेक्स एंड मॉडल्स, बोलेरो भी है टीयूवी भी है, दोनों ही मतलब डिमांडेबल गाड़ी है, ऑब्वियस तो ये भी पर्सनल है वो भी पर्सनल है। अच्छा तो ये टीयूवी है 2017 का, 2017 का, ओके और लाइफ टाइम टैक्स पेड, 2017 की गाड़ी लाइफ टाइम टैक्स पेड और मिंट कंडीशन में, मिंट कंडीशन में ओरिजिनल पेंट, बम्पर टू बम्पर, लाइफ टाइम टैक्स पेड, डीजल गाड़ी, व्हाइट कलर,
वो भी डिमांडेबल है। व्हाइट कलर नहीं मिलता है, कलर ऑप्शन नहीं होता है प्रियोन में, किंतु व्हाइट कलर आ गया हम लोग के पास। तो जिसका चाहिए, हाँ जिसको चाहिए आके देख के ले जाइए व्हाइट कलर। तो दाम माय गॉड आज क्या हुआ, हम तो भूलभाल दाम दिया लगता है। ओनली 5,75,000 5,75,000 17 की गाड़ी, लाइफ टाइम टैक्स पेड, डीजल डीजल वेरिएंट में, व्हाइट कलर में, इमैक्युलेट कंडीशन में, अलॉय व्हील के साथ, और इंटीरियर भी कमाल का है। तो बाकी गाड़ी आपके सामने, आप लोग देखिए। अगर आप लोग को गाड़ी लेना है तो मैं आप लोग को बोलूंगा एक बार कॉल कर लीजिए, एक बार आ जाइए, आके एक बार गाड़ी को सामने से देखिए, क्योंकि गाड़ी का कलेक्शन जो है कमाल का है, मतलब बहुत सारी गाड़ी है। आइए थोड़ा टाइम लेके आइए हाथ में, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी को देखिए, अगर पसंद आता है तो बाकी आप लोग बात कर सकते हैं। ऑन द टेबल बैठिएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना दीपदा। नेक्स्ट गाड़ी में आ जाते हैं। फिर से मेरे सामने i10 है, ग्रैंड i10 है ना दीपदा। i10 ग्रैंड है, ग्रैंड i10 नॉट नियोस, एग्जैक्टली। तो इसका थोड़ा डिटेल्स ले लेंगे। ये तो क्या बोलेंगे, 2018 का गाड़ी है, 2018 गाड़ी, एकदम ऑलवेज मैंने इसे देखा ना, अपना बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट। अच्छा, खूब सुंदर मिस्टी ग्रे मेटालिक कलर। अच्छा, ग्रैंड i10 আর এটা হচ্ছে ম্যাগনা। ওকে, ম্যাগনা ভার্সন। আচ্ছা, আর এর অনলি 8000 কিলোমিটার চলা, 8000 অনলি 8000 ওকে, 18 এর গাড়ি শুধু 8000 কিলোমিটার চলা। এর দাম আমরা রেখেছি, ইসকা প্রাইস আমরা রাখে 450000 অনলি, 450000 মে 8000 কিলোমিটার প্রাইস মে i10 ব্র্যান্ড, গ্র্যান্ড i10 আপনাকে মিল যায়। কাফি আচ্ছা ডিল হ্যায় এন্ড গাড়ি জেনুইনলি বতা রহা হু, দেখ কে কাফি আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। ओरिजिनल পেইন্ট কি গাড়ি, जैसे कि दीपदा अभी बताए ओरिजिनल पेंट ही है, अभी तो मेरा अगर आप लोग पूरा कैमरा में दिखा देगा तो हम आप लोग को दिखा देंगे। अगर ओरिजिनल पेंट नहीं होता तो आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रैच वगैरह नहीं रहता, एग्जैक्टली माइनस से स्क्रैच है, पर उसको भी रख दिया गया, इधर में भी रख दिया गया, इधर में भी दिखा दे। हम लोग ओरिजिनलिटी रखते हैं, हम लोग पेंट रिपेंट नहीं करते, जैसा आता है हम लोग सेफ मैकेनिकल टेस्ट चेकअप एंड पॉलिशिंग क्लीनिंग सैनिटाइजिंग ये सब करके आप लोग के पास रख देते हैं। काफी अच्छा। तो नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं दीपदा। तो दीपदा आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सारा गाड़ी मैं बता दूं आप लोगों को, जितना भी मोटर गेट से गाड़ी आता है सारा यहाँ पर सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है, फिर पॉलिश वगैरह किया जाता है, गाड़ी को पूरा रेडी किया जाता है, फिर आप लोगों के लिए वहाँ पर जाता है ना दीपदा। एकदम फास्ट गाड़ी, हम लोग जब गाड़ी आते हैं हम लोग के पास पहले क्लीनिंग, क्लीनिंग मास्क क्लीनिंग होता है, सर्विसिंग होता है, सब कुछ होने के बाद मैकेनिकल जो होता है पूरा चेकिंग होता है, उसके बाद आप लोग के लिए रखा जाता है डिस्प्ले में। एंड गाड़ी आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी पॉलिश वगैरह हो रहा है, देखिए हो रहा है ऑलरेडी, एक्सटीरियर से नहीं इंटीरियर से भी पूरा पॉलिश होता है, आप लोग आके देख सकते हैं। हाँ, बाकी इंजन खुला हुआ, एक बार इंजन भी दिखा देते हैं व्यूअर्स को। देखिए इंजन का, देखिए एकदम नया जैसा लगेगा आपको, नया जैसा, अभी इनकम्प्लीट है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट में ऐसा है, जब कंप्लीट होगा तो एकदम ब्रांड न्यू लगता है, नया गाड़ी आप शोरूम से निकल रहा हो। और यही चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है मोटर गेट का, कि हर एक गाड़ी को एकदम रेडी करके रखा जाता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। एंड मैं अराउंड 1-1.5 साल से वीडियो यहाँ पर कर रहा हूँ, जीरो कंप्लेंट्स है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंप्लेंट्स मेरे सामने अभी तक आया है ना, इनका वैसे में कुछ नहीं आया, एग्जैक्ट पूछ लीजिए। तो बाकी आप लोग गूगल में रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, अराउंड 4.2 का रिव्यू है गूगल में, तो ऑब्वियसली जेन्युइन डीलरशिप है, आप लोग आइए गाड़ी को देखिए, बाकी चेक करके ऑब्वियसली लीजिए, प्रैक्टिकल देखिए। हम तो बोलते हैं, आप तो बोलते हैं, आप आइए, हम इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल गया आइए, जो हम बोलते हैं वो है कि नहीं, उसके बाद आप ठीक कीजिए गाड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे। और ये वाला गाड़ी मारुति का हॉटकेक, मतलब न्यू वर्सन है बेलिनो, अच्छा वैगनर ऑल्टो आपका ये क्या स्विफ्ट, इसके बाद बेलिनो निकला है न्यू शेप में है। एक वाला गाड़ी 2017 का है, 2017 का डीजल, डीजल वो भी डीजल में, अच्छा पेट्रोल आता है, हम लोग के पास डीजल है, रेड कलर, फेरारी रेड कलर इसको बोलता है। ये वाला गाड़ी हम लोग दे देंगे 5,25,000 में, डीजल गाड़ी जो मिलता नहीं है, मतलब हार्डली मिलता है, अगर कहीं पर मिल जाए तो रहता भी नहीं। तो ऑब्वियसली चेकआउट कीजिएगा, डीजल में बलिनो का अच्छा खासा माइलेज भी, 15-16 का माइलेज हंसते हंसते मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दीपदा आ जाएंगे एक वैगन आर में, वैगन आर का डिमांड कभी कम नहीं होता, मतलब कोई भी गाड़ी आएगा जाएगा, पर वैगन आर होंडा सिटी या स्विफ्ट ये कभी डिमांड नहीं, एवरग्रीन है एग्जैक्ट, एवरग्रीन है, किशोर कुमार दा एकदम, बापी लाहिड़ी दा एवरग्रीन है, ऐसा करी मारुति ऑल्टो काफी अच्छा है। हाँ,
ओनली 17,000 चला हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत हाईली मेंटेन गाड़ी है, फास्ट ओनर गाड़ी है और ओरिजिनल पेंट पे है, आके देख लीजिए। बार बार बोलते हैं प्रैक्टिकल आइए, वीडियो में दिखा रहा है, हम बोल रहे हैं बिलीव नहीं करना है, आपको आना होगा, आइए एक बार देख के जाइए, लेना है तो लेना है, नहीं लेना तो नहीं लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आके देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीपदा क्या बोल रहे हैं, आइए देखिए इसका प्राइस। माई गॉड, हम लगता है हम लिस्ट ही भूल बनाया, ओनली 1,25,000, 1,25,000 मोटरकेट की तरफ से, वैगनआर कोई अगर सीखना चाहता है बेस्ट गाड़ी है। अच्छा, माइलेज भी मिलेगा आप लोगों को, एंड एक चीज ऐड करने से होगा, मोटरकेट है मतलब आप लोगों को ट्रस्ट नो डाउट मिल जाएगा, मेरे हिसाब से तो हाँ मिल ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एक साल का वारंटी मिलेगा, वारंटी इंजन और गियरबॉक्स को तो है ही, तो टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आइए गाड़ी देखिए। बाकी गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में है, पॉलिश वॉलिश करके जब डिलीवर किया जाएगा तो चमकेगा एकदम। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं, सुदीप दा, बहुत सारी गाड़ी हम लोग देख चुके हैं, मारुति देख चुके हैं, आई10 भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, पर i20 थोड़ा सबको डिमांड रहता है, डिमांड रहता है क्योंकि हुंडई का, जैसे मारुति का स्विफ्ट, वैगनआर, ऑल्टो, हॉटकेक्स है एकदम, हुंडई का सेंट्रो, हुंडई का i20, ये भी हॉटकेक्स है एकदम, एक एक कंपनी का एक एक चीज हॉटकेक रहता है। एग्जैक्टली, तो ये वाला i20 बहुत डिमांड में, क्योंकि हैचबैक है, स्पेसियस है, फ्लैट टाइप है, अच्छा रोड ग्रिप है, अच्छा माइलेज है, और क्या चाहिए, वो भी दिस वन, ये हम लोग के पास जो है 2015 का गाड़ी है, i20 है, एलिट i20 है। अच्छा, दिस वन इज एलिट i20 और डीजल। अच्छा, ये भी डीजल में, बहुत सही, इसका मतलब माइलेज ही माइलेज। एग्जैक्टली, और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, ह्यूंडई की डीजल इंजन कमाल की है, अच्छा माइलेज भी आप लोग को मिल जाएगा, और अगर कोई आप लोग को ह्यूंडई की डीजल गाड़ी मिल रहा है तो आंख बंद करके आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एकदम स्मूथ इंजन मिलने वाला है, उसके साथ साथ अच्छा माइलेज भी मिलने वाला है, और पेट्रोल में उतना अच्छा माइलेज है नहीं दीपदा, ह्यूंडई की स्पेशली, पेट्रोल में तो मारुति में है और होंडा में, तो दिस वन, दिस गाड़ी वो भी टू टोन कलर में है। एग्जैक्टली, ऊपर में रूप देखिए ब्लैक विथ सिल्वर, मींस ड्यूअल टोन कलर है, और टायर्स वगैरह भी डायमंड कट मिल जाता है। एग्जैक्टली, और सीट कवर, माय गॉड, वेरी द मेहंदी कलर सीट कवर, वेरी रेयर एंड वेरी गुड लुकिंग, तो ये भी मिल जाएगा। तो इसका प्राइस गेन ऑल्टो के 10 का प्राइस में ऐसे मोटर के दे सकेगा ओनली 4.5 लाख में, 4.5 लाख, 4.5 लाख में डीजल सिल्वर i20, वो भी 4.5 लाख में हम दे दूंगा एक ऑल्टो के 10 का प्राइस में, काफी अच्छा डील है गाइस, मिलता नहीं है जनरली आप लोगों को, पर मिल रहा है यहाँ पर, आइएगा तो नेगोशिएशन हो जाएगा। बाकी मैं एक चीज आप लोगों को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आने के लिए गाड़ी का ऑप्शन कमाल का है, और एक i20 नहीं है, बहुत सारी i20 है, अमेज, होंडा सिटी, i10, हाँ, एक वीडियो में उतना दिखाना, लेंथी करना, मतलब आपको भी आसान, कोई भी गाड़ी, इको, इको का आप लोग के सामने, हाँ, बहुत सारा डिमांड आते हैं, इको दिखाइए, इको भी यहाँ पर है, और इको एक नहीं 3-4 अवेलेबल है, तो आइए आप लोग, गाड़ी का ऑप्शन काफी सारा है, जो आप लोग को ठीक लगता है आप लोग ले सकते हैं, बाकी एक वीडियो में तो उतना आपको भी पता है कि पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं, तो दीदा आ जाएंगे नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, मेरे सामने एक होंडा एकॉर्ड है, और होंडा की प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी है, प्रीमियम सेगमेंट, भीतर बसे कर ले, एकदम एकदम, चलो चलो भीतर बसे जाए। तो दीदा इंटीरियर चले, इंटीरियर में आ गए, और फीलिंग ही कमाल का है, मतलब ऊपर में सनरूफ आप लोग देख लीजिए, और मतलब इंटीरियर में आप लोग को बड़ा सा एक LED डिस्प्ले मिल जाता है, उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं हमान का, एग्जैक्टली हमान का, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमाल का ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाता है यहाँ पर, वो आपका डिजिटल ये एग्जैक्टली, और डिजिटल एसी है, उसके साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल एसी वगैरह मिल जाता है, 2013 में सब कुछ दिया हुआ है, इसमें सब कुछ मिल जाता है, एयरबैग्स, हाँ एयरबैग्स, और वुडन फिनिश, या एग्जैक्टली, और पीछे का देखिए इसका ऑथेंटिसिटी कितना, और बेस्ट पार्ट है आप लोग मैट वगैरह देख लीजिए, वो भी कमाल, पूरा कार्पेट टू कार्पेट, एग्जैक्टली, मैंने मैट नहीं, ये पूरा फुल्ली कारपेट किया हुआ है मैचिंग के साथ, कॉस्टली खर्च किया, अगला खर्च किया गया, देखिए पीछे का जाएगा, देखिए कितना सीट, देखिए ओह माय गॉड, इसमें मेरा फेवरेट गाड़ी, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कूल, मतलब ठंडा भी रहता है यहाँ पर, अगर आप लोग सामान वगैरह रखिएगा तो कमाल का आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, क्रूज कंट्रोल भी है, क्रूज कंट्रोल भी है, एक्जेक्टली, इसका डिटेल्स ले लेंगे दीपदा, ये है 2013 का गाड़ी, पेट्रोल वर्जन, ऑब्वियसली होंडा पेट्रोल, एकदम पेट्रोल ही था, तो 23 तक टैक्स पेड है, 23 तक टैक्स, 23 तक टैक्स पेड है, और सबसे बड़ा बात है विद सनरूफ, अच्छा ब्राउन कलर, चॉकलेट कलर का गाड़ी है, लाइट चॉकलेट कलर का, बहुत अच्छा, मेरा तो क्या, मेरा तो होंडा फेवरेट, और एकॉर्ड तो मेरा और भी ड्रीम कार है, ड्रीम कार, अच्छा मींस, और ये वाला जो गाड़ी है ओनली 52,000 किलोमीटर चला है, अच्छा बहुत ही कम चला, बहुत कम चला, 13 का हिसाब से बहुत कम है, कुछ चला ही नहीं, और सबसे बड़ा मतलब इसका मोटरकेट की तरफ से है अमेजिंग बात,
वो है ओनली 4,85,000 में ये वाला गाड़ी दे देंगे। 4,85,000 एफोर्ड 2013 का 23 सबसे प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी ऑन एयरबैग साइड कटिंग एयरबैग मतलब एरा ऑन दैट डिकेड ये जस्ट लाइक मर्सिडीज तब का टाइम में एग्जैक्टली वो बात तो है। तो काफी अच्छा डील है गाइस, मतलब आप लोग देख लीजिए आके बाकी गाड़ी कमाल के इंटीरियर से भी सीट कवर वगैरह आप लोग देख लीजिए या फिर इंटीरियर का कंडीशन देख लीजिए बहुत ही सही मिलने वाला है एंड ऑटोमेटिक आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली पूरा सब कुछ ऑटोमेटिक है गाड़ी में और ओबी एयरबैग ओबी सीट कवर में एयरबैग सीट कवर में भी एयरबैग हां बहुत ओबी हाइट एडजस्टमेंट में ये देखिए ये देखिए नीचे हो रहा है एग्जैक्टली माय गॉड मतलब सारा फीचर्स में सारा फीचर्स है तो काफी अच्छा डील है भर के दिया है Exactly. जो अभी अभी का अभी का जनरेशन जो एंजॉय कर रहे हैं वो 2013 में होंडा में दिया हुआ था एग्जैक्टली तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं दीदा। चलिए दीदा बहुत सारी ब्रांड हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट जितना भी ब्रांड मुझे पता है सारा कवर कर चुके हैं वॉक्सवैगन बाकी था हाँ वॉक्सवैगन क्योंकि ये भी डिमांड पे एक ब्रांड है तो इसको क्यों छोड़ेंगे इसको भी पकड़ के रखेंगे हाँ इसको भी पकड़ के रखेंगे ये भी दिखा देंगे ये भी है जब एग्जैक्टली के पास जो है तो ये वॉक्सवैगन है VW का जर्मन का गाड़ी है ये जो गाड़ी है वेंटो 2011 का गाड़ी है 26 तक टैक्स पेड है 26 ऑफ द टैक्स देवा आछे हाईलाइन गाड़ी अच्छा हाईलाइन डीजल आप लोग को वेंटो मिल जाएगी डीजल वेरियंट में हाई लाइन टॉप मॉडल इमेकुलेट कंडीशन में अगेन ये भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी बहुत सही है सीट कवर वगैरह भी बहुत सही है। आइए गाड़ी को चेकआउट कीजिए। बाकी दीदा नेक्स्ट गाड़ी में आ जाएंगे अगेन एक बलिनो तुम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं डीजल रेड एग्जैक्टली और अगेन एक डिमांडेबल ब्लू BMW ब्लू में बलिनो है मेरे सामने एग्जैक्टली ये कौन सा बलिनो है ये पेट्रोल वर्सन है अच्छा जेटा मॉडल ओके पेट्रोल वर्सन जेटा मॉडल 2017 का गाड़ी है ओके जेटा मॉडल टैक्स 2017 का गाड़ी 2017 का टैक्स है पेट्रोल वर्षन है 13,000 किलोमीटर चला हुआ है ओनली 13,000 किलोमीटर ड्रिवन 13,000 किलोमीटर शुद्ध चले से बैलिनो माने इसे देखते हो बार बार करे बोलती इसे देखो बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट एकदम वन फर्स्ट ऑर्डर माने B2B ओरिजिनल पेंट कंपनी पेंट जेटा गाड़ी हमें दीची 13,000 चला एक गाड़ी दाम हम रेखे ओनली 5,50,000 में पेट्रोल गाड़ी 2017 का 27% टैक्स पे 13,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी चेकआउट कीजिएगा। दीदा आ जाएंगे नेक्स्ट गाड़ी की तरफ मेरे सामने किया की एक गाड़ी है एंड किया मतलब भी अभी लग्जरी हो सकते हैं तो इसका थोड़ा डिटेल्स ले लेंगे। किया मतलब अभी हुंडई का SUV में हॉटकेक एकदम अभी ये पूरा उछल रहा है मार्केट में तो ये वाला गाड़ी किया सेल्टोस है हम लोग के पास 2020 का अच्छा 2020 का गाड़ी है 2020 का गाड़ी है पेट्रोल व्हाइट कलर पे GTX प्लस मॉडल है 2020 GTX प्लस मतलब टॉप मॉडल गाड़ी है विथ ऑटोमेटिक DCT वर्शन ओके DCT गियर बॉक्स। चलो भीतर ये देखा जाए दीप्ता तो आ गए प्रीमियम गाड़ी मतलब हम लोग बोल सकते हैं बजट में प्रीमियम अगर चाहिए तो किया आप लोग एकदम ऑप्शन में लेविशली मतलब बोस का स्पीकर बोल दीजिए या फिर ऑटोमेटिक बोल दीजिए सनरूफ बोल दीजिए मतलब सब कुछ एयरबैग्स बोल दीजिए सब कुछ आप लोग को मिल जाएगी एक मतलब एकदम पैकेज है पैकेज एग्जैक्टली काफी अच्छा है तो इसका थोड़ा डिटेल्स लेंगे दीप्ता और एक बार बता दीजिए। किया सेल्टोस जो है GTX मॉडल है GTX प्लस अच्छा विद DCT गियरबॉक्स ऑटोमेटिक गियरबॉक्स DCT तो ये पेट्रोल वर्शन है व्हाइट कलर में है तो ये वाला गाड़ी हम लोग रखे ओनली 14,50,000 में आप लोग को एक प्रीमियम गाड़ी मिल रहा है और आप लोग अगर देखिएगा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए लेदर फिनिश मिल जा रहा है उसके साथ साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लोग देख लीजिए बोस का मिल रहा है अच्छा खासा स्टीयरिंग ब्रांडेड ऑल ब्रांडेड सब कुछ ब्रांडेड है उसके साथ साथ सनरूफ आप लोग को मिल रहा है एक प्रीमियम सीट मिल रहा है और उसके साथ साथ वेंटिलेटेड भी है सीट है तो अच्छा खासा आप लोग को एक प्रीमियम सेगमेंट फीलिंग आने वाला है इस गाड़ी में ऊंची गाड़ी है एंड इजी टू ड्राइव है वन ऑफ द बेस्ट डील होने वाले अगर आप लोग एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं किया की गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आ जाइए फटाफट इसको चेक आउट कीजिए टॉप मॉडल ऑटोमेटिक सनरूफ चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी गाड़ी कमाल की है ये हम बता सकते हैं नेक्स्ट गाड़ी में चलते हैं तो दीपदा एक बहुत ही कमाल की ब्रांड की गाड़ी में आ जाते हैं प्रीमियम गाड़ी अगर बोला जाएगा तो इसी को प्रीमियम मतलब ये
सुपर डुपर प्रीमियम सेगमेंट ए। Exactly. इसको सेगमेंट ए बोला जाता है। ये है मार्क ऑडी बीएमडब्ल्यू, ये सेगमेंट ए गाड़ी है। ये वाला गाड़ी जो है ई क्लास है। अच्छा, मर्सिडीज ई क्लास 2018 का है गाड़ी, वो भी डीजल वर्जन, मर्सिडीज ई क्लास डीजल वर्जन। गाड़ी तो प्रीमियम है दीप, चाबी भी प्रीमियम है। एक बार दिखा दीजिए चाबी, चाबी चाबी भी आप लोग देख लीजिए, काफी प्रीमियम है। एंड चाबी का शेप भी गाड़ी का जैसा है। इंटीरियर में चलते हैं। हाँ सुदीप दा, गाड़ी लेकिन पूरा क्लासी है, मतलब एक फीलिंग आने वाला है गाड़ी में बैठ के। और ऊपर बस आप लोग देख लीजिए, काफी सही है, मतलब काफी सही है। और ये थोड़ा खोलिए दीप दा सनरूफ, ओफ मतलब जबरदस्त दिखने वाला है। पैनोरामिक सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ एंड पूरा खुल जाता है। काफी सही है, मतलब ये ऐसा गाड़ी, लेकिन सबको एक ख्वाहिश होता है कि ऐसा एक गाड़ी लेना है। इंजन स्टार्ट स्टॉप इंपोर्टेंट सिस्टम आप लोग देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग देख लीजिए, काफी सही दिख रहा है। 3D वर्शन, 3D वर्शन है एग्जैक्टली, मतलब फील ही लग रही है। वुडन फिनिश आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर वुडन फिनिश, अच्छा खासा आप लोग को एयर वेंट एसी वेंट्स मिल जाता है। स्पीकर भी काफी कमाल का, अगर आप लोग म्यूजिक सुनिएगा तो पता चलता होगा कि अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है आप लोगों को। काफी सही है, काफी अच्छा गाड़ी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दीप दाई इसका तो ये तो शायद बिक चुका है, एक ऑलरेडी बिक चुका है। ऐसा गाड़ी हम लोग के ये दिखा, ये हम आप लोग को दिखाता किस लिए है, ऐसा गाड़ी हम लोग के पास आता है कलेक्शन में। अच्छा, तो ये जो गाड़ी है ये एक्चुअली बिक गया है। अच्छा, ऑलरेडी सोल्ड। ओके, ऐसा गाड़ी आता है, आप लोग बोलेंगे, आके बोलेंगे तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वो आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। मतलब ऐसा कंडीशन दिखाने का मतलब है, ऐसा कंडीशन में गाड़ी हम लोग लेते हैं। और मर्सिडीज वगैरह भी रहता है, है? एकदम ऑब्वियसली रहता है, मतलब हम लोग पहले भी बहुत सारे वीडियो किए हैं। बाकी गाड़ी कमाल का है, मतलब आप लोग को आइएगा तो एक बार भी हम लोग को पसंद आ जाएगा। एंड गाड़ी के कंडीशन के हिसाब से प्राइसिंग मुझे पता है काफी अच्छा है, बाकी प्राइसिंग अभी डिस्क्लोज करना सही नहीं रहेगा। ऑलरेडी सोल्ड, ले चुका है एकदम, जैसा गाड़ी जैसा ईयर जैसा कंडीशन वैसा ही गाड़ी है, वैसा ही प्राइस रीजनेबल। तो बाकी चेकआउट कीजिएगा गाड़ी जरूर, अच्छा कंडीशन की गाड़ी है दीप दा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड आज इसके अंदर ही आउटरो कम्प्लीट करते हैं, कैसे रहेगा? तो दीप दा सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्यूअर्स का, ईएमआई और लोन के बारे में थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ईएमआई और लोन के बारे में जो होता है एक्चुअली हम लोग का एक ही जगह में इन द इन वन हाउस, मतलब इन सेम हाउस लोन मिल जाएगा। okay. लोन प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, 90% तक हो सकता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 90% तक कर देंगे हम। बहुत सही है। और अगर कोई व्यूअर्स आते हैं तो वो लोग के लिए एनओसी वगैरह मिल जाएगा बाहर के व्यूअर्स के लिए? बाकी हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, बेसिकली एनओसी दे देंगे, जो बाहर का पार्टी है उसके लिए एनओसी दे देंगे। ऑल बंगाल तो एनओसी नहीं चाहिए, अभी ऑल बंगाल हो गया तो नाम ट्रांसफर यहीं से कर देंगे, हो जाएगा। बाकी इंजन और गियर बॉक्स के ऊपर वारंटी जो मिलता है मोटरगेट की तरफ से, वो कैसे, मतलब सबको मिल जाता है? सबको मिल जाता है, अगर वो मारुति 800 लो और मर्सिडीज लो सबको मिल जाएगा, सबको मिलेगा 1 ईयर इंजन और गियर बॉक्स के ऊपर वारंटी। बहुत सही। तो गाइस वीडियो एंड करते करते मैं एक चीज आप लोग को जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि मोटरगेट में अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं तो आंख बंद करके आप लोग आ सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है। अगर आप लोगों को एक गाड़ी पसंद नहीं आते तो आप लोग के लिए 4 गाड़ी खड़ी है। Exactly. जो आप लोगों को पसंद आ सकता है। Exactly. तो बाकी आप लोग बहुत कुछ रिसर्च करके ही आइएगा, ये मुझे पता है। आप लोग अपने हिसाब से आइए, गाड़ी को देखिए, पसंद आता है तो आप लोग ले सकते हैं। तो आज इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे और मर्सिडीज अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगे। दीप दा भी आप लोगों को बोलेगा सब्सक्राइब करने के लिए। दीप दा एकदम प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और भी अच्छा अच्छा गाड़ी मिलेगा, नहीं होगा तो हम लोग मैनेज कर देंगे। कमेंट करके भेजिए कौन सा गाड़ी चाहिए आपको, कौन सा प्रीमियम सेगमेंट चाहिए वो बोलिए। एग्जैक्टली फ्रॉम पिन टू एलिफेंट मोटरकेट सब कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन टाटा।